आज हम शूट कर रहे हैं इसका एक छोटा सा सिनेमैटिक सीक्वेंस जो कि आपने देख ही लिया है। अब मैंने इस चीज को कैसे किया मैं अब आपको ये बताता हूँ। तेरी यार बड़ी गर्म है गाड़ी तो। What's up everyone, welcome to the brand new episode of my YouTube channel। आज हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा हो चुका हूँ लेट, तो चलो चलते हैं। और आज हम जा रहे हैं कुछ परचेजिंग करनी है, कुछ लाइट्स वगैरह लेनी है मुझे अपने स्टूडियो के लिए। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मेरा कुछ स्टूडियो में काम चल रहा है, मुझे कुछ लाइट्स वगैरह परचेज करनी है। मैं आज जा रहा हूँ चांदनी चौक, मोस्ट प्रोबेबली वहीं से मुझे कुछ मिलेगा आई होप। जल्दी आ जा नीचे। फाइनली ऑन द वे, और आज मैं जा रहा हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे स्टूडियो में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो मुझे कुछ लाइट लेनी है। तेरे को किसने बुलाया? बुलाया हेमंत तनेजा उर्फ काकू। चलते हैं देखते हैं आज क्या कुछ मिलता है। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आपने मेरी पहले वाली वीडियो पे दिखाया। मेरे पास दो दिन क्वेरीज थी कि मैं अपना एडिटिंग का तरीका भी बताऊं। मैं इन फ्यूचर वीडियो डालूं अपने एडिटिंग ट्यूटोरियल के बारे में, बट अभी क्या कर रहा था, कैमरा ना उठाऊं तो मेरे पास ना बहुत तगड़े कंटेंट होते हैं, बातचीत करने के लिए बहुत कुछ होता है, बट यार अब कैमरा उठाती मैं सब भूल जाता हूँ। चल यार यार कोरोना के टाइम पे भी इतनी पब्लिक बाहर निकलती है, ट्रैफिक। बड़ा कंफर्टेबल लग रहा है यार कैमरे के सामने हो ना, मैं ऐसा शाय फील कर रहा था। अब मैं फोन से व्लॉग कर रहा हूँ तो यार ऐसा लग रहा है कि अपने बनने वाली बात है। अब मैं थोड़ा खुल के बाहर आ पाऊंगा, अब मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। अब मैं फोन से व्लॉग कर रहा हूँ तो आई एम फीलिंग अपनापन है यार, अपनापन यू नो क्या है अपना। फाइनली रीच टू चांदनी चौक और बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है इस टाइम। हमें कौन सी मार्केट में जाना है? हमें जाना है भगीरथ पैलेस। हमें जाना है भगीरथ पैलेस। तो चलो, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपको यहाँ पार्किंग ढूंढनी पड़ती है बहुत, और बहुत ज़्यादा रश, और उसके बाद में आप ज़्यादा अपना यहाँ पे कैश कैरी ना करें और ना ही फ़ोन, मतलब बैग वैग कैरी करें, बैग वगैरह में फ़ोन रखो क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, यू नेवर नो। हमें आधा घंटा हो गया पार्किंग ढूंढते हुए, यार पार्किंग नहीं मिली क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है तो प्रिपरेशन चल रही है। बहुत सारी लाइट्स ले लिया मैंने और मैं ना थोड़ा व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि रश बहुत है मार्केट में। अब मैं लाइट लेता हूँ और फिर कार में चल के बात करते हैं। पहली परचेजिंग होगी अपनी डन, और देख रहे हो बैठा नहीं जा रहा। लाइट्स डिग्गी में लाइट्स, लाइट्स ही लाइट्स, बाकी लगने के बाद आपको बताऊंगा कि कैसा लग रहा है कुछ अपना स्टूडियो। और आज का दिन बहुत हेक्टिक था है ना, अब भूख लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा। कुछ खाया जाए? चलो कुछ खाया जाए यार, बहुत भूख लग रही है। और चलो देखो लगी है बहुत तेज की भूख, और कुछ खाने चलते हैं। खाना पीना हो चुका है डन, अब चलते हैं घर पे क्योंकि काफी लेट हो चुकी है, रात हो चुकी है, और फिर करते हैं घर पे जाके दिखाता हूँ क्या क्या लिया आज मैंने। नहीं घर पे जाके दिखाऊंगा नहीं, घर पे जाके दिखाऊंगा नहीं, जब फिट हो जाएगा तब दिखाऊंगा क्योंकि ऐसे दिखाने में ना मजा नहीं आएगा। और इसके बाद मैं अपना जो बिहाइंड द सीन है लैम्बोर्गिनी वाली वीडियो का वो मैं डालूंगा, तो आप इतने वो एंजॉय करो। आज हम शूट कर रहे हैं इसका एक छोटा सा सिनेमैटिक सीक्वेंस जो कि आपने देख ही लिया है। अब मैंने इस चीज को कैसे किया मैं अब आपको ये बताता हूँ।
तो ऐसा कुछ है मेरा एक ये लाइटिंग सेटअप, आप एक बार देख लीजिए। ये एक सॉफ्ट बॉक्स है, ये एक नॉर्मल एक ऑफिस टेबल है जो मिरर बेस है जिसपे, एंड ये रिंग लाइट है, और ये है हमारा ब्लैक बैकड्रॉप। मैंने कोई स्लाइडर यूज़ नहीं किया या कोई फैंसी इक्विपमेंट यूज़ नहीं किया, जस्ट वेट एंड वॉच। डोंट थिंक कि शीशा थोड़ा गंदा है, मैंने इसका थीम ही ऐसा रखा है कि मैंने थोड़ा डर्टी मिरर रखा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं रखा। और हमें स्वेटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ का ना पंखा ख़राब है, और अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है जैसे मैंने आपको लास्ट वाले ब्लॉग में बताया था। एट होम नहा धो लिया एंड आई एम सो टायर्ड, और थोड़े बाल मैसी से हो रहे हैं क्योंकि अभी नहा धो के आया हूँ, तो अभी बाल बाल मैंने सेट नहीं करे। और सो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, एंड यार थोड़ा आप जज मत करना मुझे, मेरा हेयर स्टाइल थोड़ा सा बेकार लग रहा है क्योंकि मैं जब घर पे रहता हूँ तो मैं ऐसे ही रहता हूँ। तो रियल है यार, मैं वही दिखा रहा हूँ यार, ऐसे ही हूँ यार, मैं ऐसे ही रहता हूँ, मतलब ज़्यादा बन ठन के नहीं रहता मैं। जब कहीं मीटिंग में जाना होता है या कहीं बाहर जाना होता है, मैं तभी जनरली तैयार रहता हूँ, वैसे मैं रिलैक्स मूड में ही रहता हूँ क्योंकि मुझे सारा दिन एडिटिंग करनी होती है। एंड लव आई लव माई जॉब एंड स्टे पॉजिटिव। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आपने दिखाया यार इससे पहले वाली वीडियो में, और कुछ लोगों की डिमांड थी कि मैं अपना वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेके आऊँ, तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। आप कमेंट कर देना आपको किस टॉपिक पे वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल चाहिए, ज़रूर आएगा ट्यूटोरियल। इसके बाद मैं बहुत टायर्ड था तो मैं सो गया था, उसके बाद मैं आउट्रो शूट करना भूल गया, मैं ये आउट्रो अगले दिन शूट कर रहा हूँ अगले दिन, और अब शाम के बज चुके हैं 6। तो अपना मैंने व्लॉग का एडिटिंग कंप्लीट कर लिया है, तो अब ये व्लॉग भी डल जाएगा, मतलब कल डल जाएगा। सो एंड अब मुझे जाना है एक शूट की लोकेशन देखने, और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और यस बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ताकि ऐसी ऐसी वीडियोस मैं दोबारा लेकर आऊँ। सो साइनिंग ऑफ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे क्रिएटिव, बाय बाय।